गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संप्रदान कारक। इसका संप्रदान कारक का कार्य होता है को या के लिए, को या के लिए। कार्य क्या होता है? को या के लिए। इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए। इसका कारक चिन्ह होता है संप्रदान कारक का यूज कहाँ होता है? देखो, इसका प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग है देने के अर्थ में होता है। देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। देने के अर्थ में, देने के अर्थ में। देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। कारक चिन्ह क्या है? को या के लिए। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल बांटे, राजा ने भिखारी को या भिखारियों को कंबल बांटे, तो बांटना देने के अर्थ में आ रहा है, भिखारी को बांटे, इसलिए क्या हुआ? संप्रदान कारक। देखो, अब को का प्रयोग कहाँ होता है, के लिए का प्रयोग कहाँ होता है, वो हम देखेंगे। नियम नंबर एक, नियम नंबर एक, इस कारक यानी संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ होता है। यानी उद्देश्य हो या प्रयोजन, कारण हो, वहां क्या होता है? संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, के लिए का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी, पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी। माताजी ने मेरे लिए खाना बनाया, माताजी ने मेरे लिए खाना बनाया। तो ये जो ही आ रहा है, ये प्रयोजन के लिए आ रहा है, कारण के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है नियम नंबर दो, के लिए का प्रयोग क्रिया अर्थ वाली संज्ञा होता है। जो क्रिया अर्थ बताती है, क्रिया बताती है, कारण बताती है, वहां भी क्या होगा? के लिए का प्रयोग होगा। जैसे उषा ने सिलने के लिए कपड़े या सिलने के लिए मशीन खरीदी, उषा ने सिलने के लिए मशीन खरीदी। विधि बता रहा है सिलने के लिए मशीन खरीदी, क्रियार्थ वाली होगी ना, सिलने के लिए। वे घूमने के लिए विदेश गए, वे घूमने के लिए विदेश गए, तो घूमने के लिए, सिलने के लिए, ये सभी किसमें आ जाएंगे? संप्रदान कारक में। नियम नंबर तीन, अनेक बार क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ के लिए छिपाता है। हमें कई बार क्या होता है, अनेक बार, मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो क्रियार्थक क्रिया होती है उनमें के लिए, जैसे यहाँ के लिए आ गया, लेकिन कई बार के लिए छिपा हुआ रहता है। जैसे दावत खाने नहीं चलना क्या, दावत खाने चलना है क्या, अपन इसको यूज़ करते हैं, दावत खाने के लिए चलना है क्या, तो कई बार के लिए छिपा हुआ होता है, दावत खाने चलना है क्या। या गीता कपड़े खरीदने गई है, या गीता कपड़े खरीदने के लिए गई है, तो कई बार के लिए छिपा हुआ होता है, समझ गए? यस। नियम नंबर चार, नियम नंबर चार, के लिए के स्थान पर को का प्रयोग किया जाता है। के लिए के स्थान पर को का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पैसा व्यर्थ फूकने को नहीं है, कि पैसा व्यर्थ फूकने को नहीं है, के लिए यानी को के स्थान पर भी होता है, के लिए के स्थान पर को का प्रयोग भी होता है। घर में बैठने को जगह नहीं है, घर में बैठने को जगह नहीं है, तो यहाँ पे को का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। केवल के लिए के स्थान पर को का प्रयोग भी होता है। वापस भी देता हूँ, संप्रदान कारक छोटा सा था, संप्रदान कारक देने के अर्थ में, क्रिया देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, संप्रदान कारक में देने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। को या के लिए का कारक से प्रसर गए, अब को का प्रयोग कहाँ होता है, के लिए का प्रयोग कहाँ होता है, वो देखिए। नियम नंबर वन, इस कारक में के लिए का प्रयोग उद्देश्य या प्रयोजन के अर्थ में होता है, या तो उद्देश्य हो या प्रयोजन हो, वहाँ के लिए का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी ने मेरे लिए साइकिल खरीदी, माताजी ने मेरे लिए खाना बनाया, एक्सेट्रा इत्यादि। नियम नंबर दो, के लिए का प्रयोग क्रियार्थ वाली संज्ञाओं के साथ होता है। के लिए का जो प्रयोग है वो क्रियार्थ वाली संज्ञाओं के साथ भी होता है। जैसे को रीजन हो, कारण हो, उषा ने कपड़े सिलने के लिए मशीन खरीदी, मशीन किसी के लिए, कपड़े सिलने के लिए। वे घूमने के लिए विदेश गए। नियम नंबर तीन, अनेक बार क्रियार्थक क्रियाओं के साथ के लिए छिपा होता है। के बाद के लिए का प्रयोग नहीं होता, को भी नहीं होता, पर के बाद अगर हम उसका सिंपल अर्थ निकालें तो के लिए को का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो छिपा हुआ होता है। जैसे दावत खाने नहीं चलना है क्या, दावत खाने नहीं चलना है क्या, इसको भी यूँ भी बोलते हैं कि दावत खाने के लिए नहीं चलना है क्या, पर यहाँ के लिए क्या है, छिपा हुआ है, यहाँ के लिए क्या है, छिपा हुआ है। गीता कपड़े खरीदने गई है, गीता कपड़े खरीदने के लिए गई है, पर यहाँ के लिए छिपा हुआ है, और क्या कहा हुआ, गीता कपड़े खरीदने गई है, तो इसका मतलब यहाँ के लिए छिपा हुआ है। कई बार क्या होता है, केले के स्थान पर को का प्रयोग होता है, कई बार क्या होता है,
कि के लिए के स्थान पर को का प्रयोग भी होता है, जैसे पैसा व्यर्थ फूकने को नहीं है, पैसा व्यर्थ फूकने को नहीं है, घर में बैठने को जगह नहीं है, ये केवल के लिए के स्थान पर को का प्रयोग होता है। राजा ने भिखारियों को कंबल बांटे, राजा ने भिखारियों को कंबल बांटे, वहां भी को का प्रयोग है। तो ये सब क्या है, केवल के लिए नहीं आता पर को का प्रयोग वहां किया जाता है। ये हमारा संप्रदान खत्म हो गया, पॉइंट समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा है अपादान कारक। यस, नेक्स्ट हमारा है अपादान कारक। कौन सा है अपादान कारक? देखो अपादान कारक का होता है कार्चिन के अर्थ से, और यहाँ से किसके आता है अलग होने के अर्थ में। से का प्रयोग कर्ण कारक भी होता है, लेकिन कर्ण कारक में हमको साधन, किसी कार्य को करने के लिए हमको साधन काम रहते हैं, लेकिन अपादान कारक में कोई वस्तु, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति दूसरे वस्तु से अलग होता है, तब अपादान कारक का प्रयोग रहता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो अपादान कारक है वो से है, वो अलग होने के अर्थ उसका प्रयोग किया जाएगा। देखो नियम नंबर वन, स्थान परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, एक स्थान दूसरे स्थान पर जाए या अलगाव विरोध प्रकट हो, वहां उनका भाव प्रकट करने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्त से पत्ते गिरते हैं, वक्त से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में क्या आएगा, अपादान कारक। नौका घाट से उस पार जा रही है, घाट है, घाट से उस पार जा रही है, तो मतलब एक घाट से दूसरे घाट पर जा रही है, इस घाट से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो भी अपादान कारक। अपराधी जेल से भाग गया, यहाँ अलगाव हो रहा है तो भाग गया, तो भी क्या होगा, अपादान कारक। घोड़े से सवार गिरता है, सवार घोड़े से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, वहां भी क्या होगा, अपादान कारक। जेब से रुपए गिरते हैं, जेब से रुपए गिरते हैं, वहां भी क्या होगा, अपादान कारक, क्योंकि रुपए जेब से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब देखो नियम नंबर टू, से का प्रयोग, से पहले, से बाहर, से अलग, से का प्रयोग जो है से अलग, से बाहर, से अलग, से दूर, से आगे, आदि रूपों में भी होता है, आदि रूपों में भी से का प्रयोग होता है। इसका क्या होता है, से पहले, से बाहर, से अलग, से दूर, से आगे, ऐसे भी से का प्रयोग होता है। जैसे वह दशहरे से पहले घर आ गया, वह दशहरे से पहले घर आ गया, इसका मतलब दशहरे से पहले क्या आ गया, घर आ गया, तो से पहले, तो भी क्या होगा, अपादान कारक। शहर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, तो भी क्या होगा, अपादान कारक। ठीक है, अब से के अन्य प्रयोग भी देखो, फलों में से 4 लाके दो, बहुत सारे फल है उनमें 4 फल लाके दो, तो मतलब फलों में से 4 फल क्या हो रहे, अलग हो रहे, तो वहां भी क्या होगा, अपादान कारक। निम्नलिखित में से 5 प्रश्न के उत्तर, 5 प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखो, कई प्रश्न दिए हुए, बहुत सारे प्रश्न दिए हुए, 5 के उत्तर लिखने, तो भी क्या होगा, अपादान कारक। छोटा सा वापस भी देता हूँ, अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ होता है, इसका कारक चिन्ह से है या परसर्ग से है, से कर्ण कारक का भी है, पर कर्ण कारक का जो से है वो साधन के रूप में होता है, और यहाँ से है वो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 1, से का प्रयोग कहाँ होता है, देखो स्थान परिवर्तन हो या अलगाव का भाव प्रकट हो, वहां पर से का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे, नौका घाट से उस पार जा रही है, एक घाट से दूसरे घाट पर जा रही है, तो भी से का प्रयोग होगा, अलग हो रही है। अपाय जेल से भाग गया, अलगाव हो रहा है, तो भी से का प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 2, से पहले, से का प्रयोग जो है वो इस रूप में होता है, से पहले, से बाहर, से अलग, से दूर, से आगे, आदि रूपों में भी से का प्रयोग किया जाता है। वह दशहरे से पहले घर आ गया, वह दशहरे से पहले घर आ गया, तो दशहरे से पहले घर आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या है, अपादान कारक। यहाँ शहर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, शहर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, अपादान कारक, क्योंकि इस रूप इसका प्रयोग हो रहा है। इसके और भी एक नियम है, एक नियम है से के अन्य प्रयोग, से के अन्य प्रयोग में देखो, फलों में से 4 लाकर दो, बहुत सारे फलों में 4 लाख देना, तो 4 क्या हो रहा है, अलग हो रहे, तो भी से का प्रयोग होगा। कई सारे प्रश्न उन्होंने 5 प्रश्न करने हैं, तो भी से का प्रयोग होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखो। ये हमारा अपादान संप्रदान कारक और अपादान कारक जो आज समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा संबंध कारक, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।